आज हम जा रहे हैं बालाजीपुरम टेम्पल जो बैतूल से लगभग 7 किलोमीटर के दूर है। अभी हम बीच में रुके हुए हैं मेट्रो फिल कराने के लिए जो हाईवे के पास है। यहाँ से मतलब मंदिर कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, लगभग आधा एक किलोमीटर के आसपास है। हमने बहुत सारी जर्नी अभी पूरी कर चुके हैं। अब हमें देख रहे हैं इंडियन आवारा पे जो हमारा यूट्यूब चैनल है, और यहाँ पर हमारे साथ है मिश्रा जी हमारे, और ये दूसरे भैया हमारे दिवेश भैया। बस अभी मंदिर जाएंगे, फिर वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। मेन मंदिर वहाँ पर तिरुपति बालाजी का टेंपल है वहाँ पर, और फिर उसके अलावा वहाँ बहुत सारे टेंपल्स हैं। वैष्णोदेवी मंदिर का रेप्लिका है पूरा एक वहाँ पर बनाया हुआ, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम टेंपल के पास पहुंच चुके हैं, अभी हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं, और ये मेन टेंपल एंट्रेंस है। यहाँ पर अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर की पिक्स आपको नहीं दिखा सकते। एक गरुड़ भगवान की मूर्ति है जो विष्णु भगवान का, जिसको वाहन भी कहा जाता है। मंदिर के आउटसाइड में एक परिक्रमा लगाएंगे, और आपको मंदिर के आस पास मूर्ति वगैरह या डिजाइन वगैरह बनी हुई है वो आपको देखने को मिलेगी। ये जो है यहाँ पर विष्णु भगवान के 12 अवतार बने हुए हैं। सो ये पहला अवतार है, ये दूसरा अवतार है यहाँ पर, ये तीसरा। इनके नाम मेरे को याद नहीं है अच्छे से, तो मैं आपको सिर्फ उनकी मूर्तियाँ दिखा रहा हूँ जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे से बनाया हुआ है। इस अवतार का मुझे नाम मालूम है, तो ये वामन अवतार है, और ये वाला बालाजी अवतार है, और ये वाला जो अवतार है वो परशुराम अवतार है। और ये अवतार आपको पता है राम भगवान, ये अवतार का भी नाम मुझे पता नहीं है, और ये अवतार जो कृष्ण भगवान का अवतार, और ये लास्ट अवतार है 12वां अवतार जिसे शायद कल्कि अवतार बोला जाता है। आसपास जो पेंटिंग्स वगैरह की हुई है कितने खूबसूरती से की हुई है, कितने अच्छे तरीके से ब्यूटीफुली की हुई है आप देख सकते हैं। यहाँ पर शेषनाग गुफा बनी हुई है, इसके अंदर का अभी हम आपको दिखाएंगे, इसके अंदर चलते हैं। हम अभी इस शेषनाग गुफा के अंदर जा रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या है देखते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं प्रॉपर गुफा टाइप का बनाया हुआ है। चलते हैं, यहाँ पर भी अंदर मूर्तियां बनी हुई है। यहाँ पर ये पूरा शिव परिवार है, आप देख सकते हैं शिव जी का पूरा परिवार है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एंडिंग है गुफा की, हम गुफा से बाहर आ चुके हैं, तो मजा आया यहाँ पर जाके। अब हम आगे की ओर चलेंगे। तो ये बैक साइड का एंट्रेंस है, एंट्रेंस भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है।
यहाँ पर भी टेम्पल्स के नाम लिखे हुए हैं जो जो अंदर है। हम यहाँ पर बैक साइड में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर एक प्रकार से पूरा रामायण के दृश्य बनाए गए हैं। आर्टिफिशियल नदी यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर ये राम घाट है, यहाँ पर लिखा हुआ है मंदाकिनी नदी, यहाँ की गहराई 8 फीट। दर्शन और वैष्णोदेवी माता मंदिर है यहाँ पर ऊपर साइड, तो आप देख सकते हैं मेन एंट्रेंस गेट है यहाँ पर। तो हम अभी ऊपर साइड जाएंगे यहाँ से चढ़ के। तो यहाँ पर भी एक गुफा है, इसके अंदर हम अभी जाएंगे। जोर से बोलो जय माता दी। अभी वैष्णो देवी दरबार में ऊपर जाते हुए, ये अभी देख सकते हैं आप, अभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं टेम्पल के पास। हम वैष्णोदेवी मंदिर के पास में है, तो अभी ये जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एंट्रेंस डोर है, तो यहाँ से अभी अंदर तरफ पीछे जाना पड़ेगा। चलते हैं आगे और यहाँ पर आपको अंदर का दिखा सकते हैं, फोटोग्राफी वहाँ पर भी बैन है। ये आप देख सकते हैं बैक साइड में जो हम जिस रोड से अभी आया है वो रोड है वहाँ पर, और वो पेट्रोल हम पीछे यहाँ से हमने पेट्रोल फिल कराया था, और यही रोड से हम अभी वापस जाएंगे बैतूल की तरफ। अभी आगे की ओर जा रहे हैं, अभी बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, थोड़ी खिली खिली धूप निकली हुई है, और ये हमारे फर्जी इंजीनियर हमारे साथ में घूम रहे हैं। फर्जी इंजीनियर नहीं, बहुत काम के इंजीनियर है, जियो में काम करते हैं, अब उनको सैलरी दे रहे हैं तो कुछ काम के इंजीनियर ही होंगे इसलिए सैलरी दे रहे हैं, नहीं तो ऐसे फर्जी लोगों को कौन रखता है। सही बात है, सही बात है। तो हम अभी संतोषी माता टेम्पल पे ऊपर पहुंचे हैं, थोड़ा रुके हुए हैं यहाँ पर, उसके बाद हम नीचे तरफ जाएंगे, तो चलते हैं आगे की ओर।
थोड़ा आराम फरमाते हुए। फर्जी इंजन का फर्जी झूला जो बहुत नीचे है, देख सकते हैं आप, इतना नीचे है कि ये झूला टाइप लग भी नहीं रहा है। तो टाइम पास कर रहे हैं, अभी थक गए हैं थोड़ा घूम घूम के भी। बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ मंदिर है, जिसके बारे में आपको चिंटू भैया और आगे बताएंगे। दो तीन एकड़ में फैला हुआ है ये मंदिर, बहुत शानदार जगह है। आइए आप भी और ये दर्शन कीजिए, मजा आएगा। हमारे जो दीपेश भैया है वो थक चुके हैं इतने से में ही। अभी यहाँ से चलते हैं आगे की ओर, सकते हैं यहाँ पर कितना प्यारा सनसेट हो रहा है यहाँ पर, और सनसेट की इस गोल्डन टेम्पल के ऊपर थोड़ी सी रेस पड़ रही है, कितना सही दिख रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो अभी हम मंदिर में दर्शन करके घूम के बालाजीपुरम का पूरा चक्कर राउंड मार के लगभग दो तीन एकड़ में घूम के बाहर आ चुके हैं। तो सब लोग अभी थक चुके हैं, अब रिटर्न अपने घर की ओर जाएंगे। और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए घंटा दबाना ना भूलें। और देखते रहिए इंडियन अवारास। सो मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त प्रत्युष विद चिन्मय मिश्रा एंड दीपेश भैया, वी आर साइनिंग ऑफ नाउ। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।